धूप आने के लिए कर रहा है। आई थिंक पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी सुबह का 6 बज रहा है, तो अभी जस्ट उठा। उठने के बाद मैं ये डिटॉक्स वाटर पी रहा हूँ, लेमन एंड कुकुम्बर। तो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ठीक है सुबह सुबह। तो आप लोग भी पिए। तो आप लोगों को पता है कि मैं श्रीनगर से आ गया हूँ। तो आने के बाद मैं काफ़ी थक गया था, तो आई थिंक 5 दिन हो गया मैंने रेस्ट किया होना। तो अभी आज मैं क्या करेंगे कि पूरा लोकली स्टाइल में घर का खाना बना के खाऊंगा। तो बहुत ही आई थिंक 1 महीना जैसा हो गया कि घर का खाना नहीं खाया, वही फ्राई मसाला वाला खा कर के मैं बोर हो गया था। अभी मैं जस्ट अपना ये डिटॉक्स वाटर कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ, ठीक है? चलो। तो मेरा डिटॉक्स वाटर पी के कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं गाइस, जब से हम लोग यहाँ से ईटानगर से जम्मू के लिए निकला था, तो उसके ठीक 1 दिन के बाद में ऐसा बारिश गिरा। तो आई थिंक 1 महीना तक यह मैं बारिश गिरा, तो काफ़ी अरुणाचल का हालत ख़राब होके बैठा है। पूरा लैंडस्लाइड होके पूरा घर उर पूरा गिर के इस टाइप से होके बैठा है। तो आज ही थोड़ा अच्छे से धूप आया, तो आज तो पूरा कपड़ा वपड़ा को पूरा सिखाने। देखिए आज मौसम थोड़ा ठीक है, धूप आने के लिए कर रहा है। आई थिंक पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ईटानगर का मौसम का कोई गारंटी नहीं है। जैसे धूप आता है फिर वेदर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, ऐसा होता है। तो गाइस ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, कॉर्नफ्लेक्स बनाना एंड मिल्क। कुछ दिन से मैं यही खा रहा हूँ, तो अच्छा लगने लगा है, आदत हो गया। ठीक है गाइस, मैं आप लोग को मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद में डायरेक्ट आप में मिलते हैं, ठीक है? चलो। एंड गाइस, ये जो ब्लैक लाइट पट्टा है इसको हम लोग तो कब बोलता है, तो आप लोग काला साग भी बोल सकता है। तो इसे मैं बॉईल बनाऊंगा। तो यहाँ पे गर्म पानी हो रहा है, मैं इसे बम्बू सूट के साथ में बॉईल बनाऊंगा। एंड गाइस, ये रहा मेरा चिकन, मैंने गैस पे बिठा लिया है फिलहाल, तो इसे बॉईल होने देते हैं। बॉईल होने के बाद मैं पोटैटो और बम्बू सेट के पास में मैं ग्रेवी बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगा, ठीक है? चलो। तो गाइस, ये रहा मेरा चिकन मैंने बॉईल करके यहाँ पर रख दिया है, और ये रहा पोटैटो मैंने मैश किया है, और ये है बम्बू सूट, उसके बाद में ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये सब इंडियन के साथ में मैं आज बनाऊंगा लोकल थाली। और ये जो है ये चिकन का सूप है, तो ये सूप को मैं चिकन के साथ में डालूंगा। तो चलो बनाते हैं, ठीक है? चलो। तो गाइस, यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक उसके बाद में पोटैटो मैश किया ला, और बम्बू सूट और रेड चिली पाउडर और नमक डाल के मैं यहाँ पे सब कुछ मिक्स कर लिया है। तो इसे मैं यहाँ पे थोड़ा पका लेते हैं ताकि ये थोड़ा गोल्डन टाइप हो जाए, उसके बाद में चिकन डालते हैं। तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट उसके बाद में पोटैटो और बम्बू सूट थोड़ा गोल्डन हो चुका है, तो अब इसके ऊपर मैं अभी चिकन डालते हैं। बाद में ये जो चिकन का सूप था उसको यहाँ पे डाल देना, उसके बाद में इसको अच्छे से उबलने देने के बाद ये तक नमा देते हैं 10 मिनट जैसा, तो आपका पक जाएगा। इसे ढक देते हैं। तो गाइस, मेरा चिकन पोटैटो बम्बू सूट ग्रेवी बना के रेडी हो चुका है। तो अभी मेरे को खाना है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत ही भूख लग रहा है, तो चलो फिर साथ में खाते हैं, ठीक है? चलो। तो गाइस, ये रहा मेरा आज का लंच, पोटैटो चिकन बम्बू सीड ग्रेवी। तो बहुत ही टेस्टी दिखा है, तो मैं आप लोगों को सामने से दिखाऊंगा कि मैं पोटैटो बम्बू सीड चिकन ग्रेवी के साथ में मैंने क्या क्या मिलाया, ठीक है? 1 मिनट में दिखाता हूँ। तो गाइस, ये रहा मेरा आज का लंच। तो ये रहा
पोटैटो चिकन विद बम्बू सूट ग्रेवी, ये रहा, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। उसके बाद में ये है भिंडी बॉयल और चावल, और ये है लाईपट्टा बॉयल, इसको हम लोग टुका बोलता है, ब्लैक साग भी बोल सकते आपको, कुकुम्बर, और ये है जो प्रिला सीड का चटनी, उसको हम लोग नामदुम बोलते हैं, और ये है ड्राई चिल्ली, माय फेवरेट, तेल में फ्राई किया है। तो ये रहा आज का मेरा लंच। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो। तो ये रहा मेरा चिकन लेग पीस, बहुत ही बड़ा वाला, ये रहा, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। चलो खाते हैं, ये रहा गाइस, बहुत ही टेस्टी है। चलो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा एडजस्ट करना पड़े। वाओ, बहुत ही आई थिंक महीना होने वाला है घर का खाना नहीं खाया ला, तो आज अच्छा से खाऊंगा। भिंडी, गाइस आप लोग भी एक बार खा के देखिए, मैं पोटैटो को मैश करके बनाया है, बहुत ही टेस्टी है। यह है पहला सी चटनी। एंड ये है ब्लैक लाईपट्टा। जिसको हम लोग बोलता है तुक्का। मजा आ गया। घर का खाना और बाहर का खाना में काफी डिफरेंस है। सो टेस्टी। Too much tasty. Very tasty.
तो गाइस ये रहा, मैंने पूरा ख़त्म कर चुका है। बहुत ही टेस्टी था, काफ़ी टेस्ट था और बहुत ही दिनों के बाद में घर का खाना खाने के लिए मैंने तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी बना के खाइए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये चिकन पोटैटो बम्बू सूट ग्रेवी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, चलो।